हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानवता ब्लॉग। आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट करी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। एक मिनट। तो हॉस्पिटल से आने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मम्मी के घर आ गई थी। मतलब उनका बेड रेस्ट अभी भी चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत ठीक है। तो अभी ये वाला देखें नया गाड़ी, तो बाद में बात करते। तो अभी पहले गाड़ी का पूजा कर लेते हैं। और ऐसे हम लोग में आज का दिन नया साल होता है, अप्रैल आज का 15 ना डेट, तो आज अप्रैल का 15 है डेट। और हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट, हम लोग ही नहीं बहुत लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं हम लोग में, तो इसलिए नया गाड़ी का पूजा आज देने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए आप लोगों को दिखाते रहूँगी क्या करती हूँ आज का दिन पूरा, थोड़ा बहुत जितना हो सके आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और देखिए मतलब जल्दबाजी में मैंने कॉटन का साड़ी पहना है, हालांकि मुझे आता नहीं है ठीक से पहनना, लेकिन जल्दी जल्दी से पहन लिया है। अभी बस जाके पूजा करके फिर आके उसके बाद खाना खाने के बाद फिर जाना है हम लोगों को नमतला। तो दिखाती हूँ, उसके बाद सुनारी भी जा सकती है, तो दिखाती हूँ क्या करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। हाँ, भूल गई बोलने के लिए, गाड़ी अच्छी तरह से मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी तो अभी बस बैठी हुई फर्स्ट टाइम मैं भी गाड़ी में। तो पूजा करने में थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, उसके बाद आपको अच्छी तरह से मैं गाड़ी का रिव्यू बाद में शेयर करूंगी। आपको मेरे तरफ से बंगाली में शुभ नववर्ष और हैप्पी बिहू। और तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से। मतलब पंडित जी एक्चुअली मंदिर में नहीं है, वो भी किसी के दुकान पर पूजा कर रहे थे, तो हम लोग को डायरेक्टली उधर ही जाना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं था। हम लोग को सुनारी भी जल्दी से जाना था। तो ये देखिए यहाँ, ये है हम लोग का मतलब ये डिजिट एरिया का SBI बैंक, SBI सॉरी। और यहाँ पर है मंदिर, तो मैंने व्लॉग भी शेयर किया होगा मंदिर का। जंक्शन में पहुंच गया। किसने? बाबू भैया ने जिसने दुकान खोला था। तो चलिए पहुंच गए अभी। तो यहाँ देखिए दुकान में ऑलरेडी भैया का दुकान में पूजा हो रहा था। तो बस अभी हम लोग का गाड़ी का पूजा, तो यहाँ पर सब मैं अरेंज कर रही थी, मतलब दिया पर घी डालना ये सब। आज अभी रेडी कर लिया, यहाँ पर पूजा का सामान देख सकते हैं। अभी बस पंडित जी का वेट कर रहे हैं, पंडित जी वहाँ पर गया है पूजा करने के लिए वही दुकान पर। अभी आएंगे फिर पूजा करेंगे, फिर जल्दी जल्दी घर में जाएंगे, उसके बाद फिर से रेडी होना है, मतलब खाना खाना उसके बाद रेडी होना है। तो चलिए बिना बप्पू का, अभी ये वाला पीछे में जो दिखाई दे रहा है ये भैया का दुकान है, वहाँ पर पूजा ख़त्म किया था, तो उधर उसी का ही थोड़ा बहुत क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया। और तो अभी हम लोग का गाड़ी का पूजा, उसके बाद घर। तो चलिए देखते रहिए आप लोग मेरा ब्लॉग। गर्मी है तो पिबा स्मरित पुंडरीकाक्षम सवाई अभ्यंतरस पुंडरीकाक्षमनाथ पुंडरीकाक्षम पुंडरीकाक्षाय नमो नमः। शुद्धोदक स्थानम समर्पयामि। स्वस्तिनेन्द्रो मृगस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारिक्षवरिष्ठने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। कर देगा कर दीजिए। ओए बुरी ओम स्थिरो भव विडंगासुरो वार्जिनि पृथ्वीवासु कदस्वग्नि पूरी कवाहण पूजा गुरुजी प्रसाद लोगे हां आने के लिए अलग से रहता हूं। तो चलिए गाइस, अभी अच्छी तरह से पूजा हो गया है। अच्छा लगा पूजा देकर भी। वैसे कुछ भी नहीं खाई थी, बस चाय पिया था मैंने, और पूजा देने के बाद अच्छा लगा। और ऐसे भी कुछ भी नया चीज़ घर में आता है ना, तब बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं मैं आप लोगों के साथ कब ये गाड़ी का फुल रिव्यू दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीडियो पेंडिंग हो रहा है मेरा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। तो घर जाने के बाद हम लोग थोड़ा खाना वाना खा के फिर निकल गए थे डायरेक्ट सुनारी के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी भाई और मेरे हस्बैंड, उनको तकलीफ़ होता है, मतलब जर्नी में उनको तकलीफ़ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ काम था इसलिए हम लोग को जाना पड़ा, और उनको मेडिसिन भी लेना था थोड़ा बहुत। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर भी मैं कुछ बोल रही थी आप लोगों के साथ, लेकिन भाई ने मतलब म्यूज़िक ऑन करके था, तो मैं भूल गई थी म्यूज़िक ऑन था, मुझे सुनाई दे रहा था लेकिन मैं भूल गई थी। मैं पकड़ पकड़ कर रही थी आप लोगों के साथ, लेकिन बाद में देखा कि जब मैं रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर एडिट करने बैठी तो लगा गाना का आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो मैंने पूरा म्यूट कर दिया। उसके बाद आप लोगों के साथ अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बता रही थी कि मेरा मतलब इस बार का जो घर में आना हुआ, मतलब कुछ नहीं लाई थी मैं, जैसा मैं घर पर एक कुर्ती और प्लाजो पहन के थी वैसे ही मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी, और उधर से फिर मुझे गोलाघाट बुकाघाट से गोलाघाट, गोलाघाट से जोरहाट, फिर जोरहाट से डिब्रूगढ़, देन मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ नागालैंड। मतलब मेरा हालत पूरा ख़राब था। चलो अच्छा है कि मम्मी के पास मेरा पुराना कुछ कपड़ा था, और मैं जितना बार आती हूँ उतना बार थोड़ा बहुत कुछ कुछ छोड़ के भी जाती हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने ये पिंक सूट आप लोगों के साथ शेयर किया ये मम्मी का है, तो वही पहन लिया था मैंने। तो अभी देखिए बात करते करते नामतला पहुँच गया है अभी, तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। और ये सुनारी जाने का रास्ता, नामतला में एक्चुअली थोड़ा बहुत काम था, तो हम लोगों ने काम कर लिया जो काम था, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ फिर एक दिन कभी शेयर करूँगी, अगर भगवान करे अगर हो जाए तो। तो चलिए अभी शेयर नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए सुनारी पहुँच गई हूँ, तो सुनारी पहुँचने के बाद मम्मी को ग्रोसरी सामान खरीदना था। एक्चुअली ग्रोसरी सामान भी खरीदना था और थोड़ा बहुत कुछ कुछ और भी खरीदना था, तो दिखाती रहती हूँ मैं आप लोगों के साथ, देखते रहिए आप लोग मेरे साथ। कितना भाई ऐसा कितना देना पड़ेगा? ऐसा में नहीं है, ऐसा में ये सबका कितना है? सबका इसका अच्छा बोला भी ये सुन लो फिर फोटो लो गाइस, फोटो मोर हाथ तो आ गई आधा के तो ले ले पाई नहीं आना ये लोगे लोगो करो मुना आने से ना मुनाटा दे मुना तो पकड़ के जाना जाओ के
आधा केजी है कत तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, एक ही झटके में मैंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये देखिए मेरा पुच्चे सा बहन, एक्चुअली ये मेरी मामी का बेटी है, मामा का बेटी है, सॉरी, है ना, बहुत क्यूट। इस फिटनेस की वजह से एक लाइक जरूर बनता है। तो अभी हम लोग का शॉपिंग खत्म, गाइस अभी जस्ट शॉपिंग खत्म किया यहाँ का सोनाली का, और ये देख सकते हैं पीछे में पूरा बैग से भरा हुआ है, और ये रहा मेरा कपड़ा, बीहू के नाम से हस्बैंड ने दिया है। ऐसे तो पहले भी देके रखा था, मतलब तो मैं तो इमरजेंसी में आ गई थी इसलिए लेके आने नहीं सकी, तो उन्होंने फिर से एक ला दे दिया है। तो मैं घर जाकर आप लोगों के साथ पहन के शेयर करूँगी। फिलहाल अभी बहुत टायर्ड हो चुकी थी, फ़ोन सिस्टर को रिकॉर्ड करने के बाद, छोटी बहन को दिखाने के बाद, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो चलिए बाद में बात करते हैं, घर पहुंचने के बाद क्या क्या बनता है आज का न्यू ईयर स्पेशल, वो आप लोगों के साथ शो दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी घर पहुंचने के बाद शाम हो गया था, पूजा वूजा देने के बाद चाय बना पीने के बाद काम में लग गए थे मम्मी और मैं। मम्मी फिश और चिकन धो कर दिया था मुझे, और उसके बाद मैंने बोला कि चलो मैं बना लेती हूँ फिश और चिकन, लेकिन मैंने यहाँ पर सेटिंग कर लिया क्योंकि मुझे ना इतना आलस लग रहा था, तो मैंने सिर्फ चिकन बनाया, मच्छी को मैंने साइड कर दिया, और बाकी मम्मी सब अरेंज कर रही, जितना भी ग्रोसरी सामान लाई थी मम्मी वो सब अरेंज कर रही थी अभी। तो मैं चिकन का रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बस झटपट बना रही हूँ, आप देख ही सकते हैं, मतलब बनाना है तो इसलिए बना रही हूँ, मतलब कोई स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे भी चिकन जैसे बनाओ वैसे अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए पोटैटो मैंने पहले फ्राई करके रख दिया था, आलू पहले फ्राई करके रख दिया था, और चिकन में ना आलू नहीं डालने से अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मैं हर बार सोचती हूँ कि नहीं सिंपल चिकन बनाओ, लेकिन आलू के बिना अधूरा लगता है, और बेंगोली लोग तो ऑलवेज आलू 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 आलू। Hey guys, अभी सोनाली से आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद चाय पीकर घर में मेहमान आया था, मतलब अंकल आया था और बहन आई थी, तो दोनों के उन लोगों के साथ बात करते करते थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया, और अभी 8:30 बज रहा है, तो मैं अभी घुसी हूँ चिकन बनाने के लिए, क्योंकि आज न्यू ईयर के टाइम हम लोग फिश और मच्छी सब खाते हैं, तो अभी मन नहीं कर रहा कि मैं फ़िश बनाऊँ, तो इसलिए चिकन बना रही हूँ। तो मम्मी साफ करके दे दिया मुझे, मतलब मच्छी उच्छी सब चिकन वगैरह सब साफ करके दे दिया, और जितना भी सामान ग्रोसरी का सामान खरीदा था वो सब मम्मी अरेंज कर रही है थोड़ा बहुत करके। तो चलिए आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, थक गई हूँ मैं पूरा, तो बाद में बात करते हैं, यहाँ बकबक किए अब आज का। चलिए बिना बकबक के अभी मैं एंड करती हूँ ब्लॉग को यहीं पर ही। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि बहुत दिन के बाद दे रही हूँ, और इस बीच में इतना कुछ हो गया मेरे साथ, तो मैं बताऊँगी आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग पर। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।